इस वीडियो में आपको बताएंगे एलजेब्रा के ऊपर एक बहुत ही बेसिक सा एक ट्रिक, जिस ट्रिक के मदद से एलजेब्रा के ऊपर इस टाइप क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलवर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और एक बार पहला क्वेश्चन देखिए, पूछे आज के SSC CGL 2016 के एग्जाम में। तो एट फर्स्ट बेसिक प्रोसेस से इस टाइप क्वेश्चंस को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि इसका ट्रिक क्या है, जिसमें कि आप इस टाइप क्वेश्चंस का आंसर आप सिर्फ और सिर्फ देखकर ही आंसर निकाल सकेंगे इस टाइप क्वेश्चंस का। तो चलिए एट फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। देखिए यहां पर स्क्वायर है तो दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। देन यहां पर देखिए ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस पी स्क्वायर। तो सिंपली यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जो कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू सिक्स स्क्वायर, यानी कि 36। अब देखिए एक्स एक्स कैंसिल, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर प्लस टू इस साइड में माइनस टू होगा, यानी कि 36 माइनस टू, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन माइनस टू, यानी कि 34, जो कि आपका आंसर ऑप्शन डी। और अब देखिए इस टाइप क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। किस तरह से, चलिए इसको मिटा देते हैं। और यहां पर मान लीजिए दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। सिंपल सा देखिए x यहाँ पर a है, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस टू। अब देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स सिक्स है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, सिंपल सा है सिक्स स्क्वायर माइनस टू, जो कि सिक्स स्क्वायर 36 माइनस टू 34। तो चलिए इसी ट्रिक के मदद से और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन SSC CGL टायर 1 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है a प्लस वन अपॉन a का स्क्वायर इक्वल टू थ्री, देन a स्क्वायर प्लस वन अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है a प्लस वन अपॉन a इक्वल टू अगर k है, देन आप कह सकते a स्क्वायर प्लस वन अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू। और यहां पर देखिए ए प्लस वन अपॉन ए का स्क्वायर है, सो ए प्लस वन अपॉन ए कर लीजिए इक्वल टू स्क्वायर इस साइड में होगा स्क्वायर रूट थ्री, देन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, देखिए के स्क्वायर माइनस टू, और यहां पर के क्या है, के है स्क्वायर रूट थ्री, यानी कि स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू होगा। और यहां पर स्क्वायर रूट, चलिए यहां से कर लेते हैं, स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि थ्री माइनस टू यानी कि थ्री माइनस टू वन, आपका आंसर ऑप्शन बी। तो चलते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं इसी ट्रिक के मदद से। और यहां पर थर्ड क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव, देन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू व्हाट। और यहां पर ऑप्शन देखिए, तो सिंपली देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स टू दावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कर लीजिए। अब अलग कर लीजिए, एक्स टू दावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सिंपली यहां पर एक्स टू दावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहां पर देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव है,
सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, यहां से कर लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा फाइव स्क्वायर ट्रिक की मदद से, फाइव स्क्वायर माइनस टू, और यहीं पर प्लस वन है, प्लस वन पुट कर लीजिए। अब फाइव स्क्वायर यानी कि ट्वेंटी फाइव, माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन यानी कि ट्वेंटी फोर। अब देखिए x टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर है, तो सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, सिंपली एक्सचेंज है तो सिंपली ट्वेंटी फोर भी एक्सचेंज होगा यानी कि वन अपॉन ट्वेंटी फोर होगा, जो कि आपका आंसर है वन अपॉन ट्वेंटी फोर ऑप्शन बी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।